हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, 4 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने ड्रेस बनाई है। इसके लिए मैंने स्काई ब्लू कलर का सैटन का फैब्रिक लिया है और नीचे पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। ये फैब्रिक मैंने चौड़ाई 4 इंच रखी है। देखिए, थोड़ा थोड़ा सिलाई में चला जाएगा तो ये 3 साढ़े 3 तक ही रह जाएगा। और लंबाई इसकी 39 इंच है। अब देखिए, सैटिन का जो फैब्रिक होता है, इसके ऐसे रेशे निकलते हैं, तो इसको हम कैंडल से या लाइटर की हेल्प से दोनों साइड से इसके एजेस को थोड़ा थोड़ा बर्न कर लेंगे। और ये जो टिश्यू रिबन होता है, इससे इसकी किनारी लॉक कर देंगे पहले इस तरीके से। और ये गोल्डन कलर की मैंने लेस ली है, जिसको नीचे की तरफ सिलाई मशीन से लगा लेंगे इस तरीके से। और इस आप चाहें तो इसके ऊपर देखिए, जो गोटा पट्टी है गोल्डन कलर की, ये भी इसके ऊपर 1 या 2 लाइन लगा सकते हैं। फिर जैसे हम सभी ड्रेसेस में प्लेट्स डालते हैं, थोड़ी घनी घनी प्लेट डाली जाती हैं कान्हा जी के ड्रेस में। देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लेट्स लेकर के और एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए एकदम घनी घनी प्लेट डालेंगे। ये 1 इंच से भी ज़्यादा लिया है मैंने बीच में, थोड़ा ले करके इसी तरीके से पूरे पे प्लेट्स डाल लेंगे। ये सब डाल लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये नीचे लेस लगा करके और प्लेट्स डाल करके तैयार कर लिया है मैंने घेरा, देखिए इस तरीके से। और ये जो घेरे की जो कमर वाला जो हिस्सा है, ये 5 साढ़े 5 इंच है और 4 नंबर कान्हा जी है मेरे 4 नंबर के। इस तरीके से हमने आगे की तरफ फ्रॉक की तरह पहनाएंगे इसे। अब देखिए, चोली के लिए मैंने 4 इंच लंबा और नीचे से 2 इंच, 2.25 इंच के करीब है रखा है और ऊपर 1.5 इंच है। मतलब इसको पहले इस रेक्टेंगल पीस काटा था, फिर बीच में ऐसे फोल्ड करके और थोड़ी चोली की शेप दे दी है ऊपर की तरफ से। अब इस पर ये जो टिश्यू रिबन है, इसके तीनों तरफ इसे इसे लॉक कर देंगे तीनों तरफ। देखिए, मैंने चोली के तीनों तरफ टिश्यू रिबन लगा लिया है। और ये सैटिन का रिबन था 1/4 इंच वाला, ये गले पे बांधने के लिए तैयार किया है। और ये जो फ्लावर है, ये जो गोटा पट्टी होती है चौड़ी वाली 1/2 इंच वाली, वो है तो उसका 7 इंच का एक लंबा टुकड़ा लिया और ऊपर से सुई धागे की तरफ से छोटी छोटी टांके लगाते गए, फिर एकदम से धागे को खींच देंगे तो एक गोल हो जाता है। इस तरीके से बनाया है, एक मोती लगा दिया है और सुई धागे से ही इसको टांका है यहाँ पे। अब देखिए, हम घेरे का सेंटर ले लेंगे और चोली का सेंटर ले लेंगे और बीचों बीच इसे रख करके सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हमें घेरे में नेफा लगाना है। देखिए, यहाँ बीचों बीच में इसे लगाएंगे। इससे पहले हम इस घेरे में नेफा लगा लेते हैं। नेफा बहुत आसान है, मैंने कई वीडियोस में दिखाया है अपनी में लगा के। देखिए, 2 इंच चौड़ी सैटिन के इसी फैब्रिक की पट्टी ली थी मैंने और लंबाई तो घेरे के हिसाब से ही रखी जितनी इसकी लंबाई है। और जैसे पेटीकोट में लगाते हैं, पीछे की तरफ से सिलाई करी और आगे की तरफ उसे, मतलब पीछे की तरफ से जोड़ा, फिर आगे की तरफ से लगा करके और फिर सिलाई कर दी, तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है उसमें। अब देखिए, हम इसको यहाँ पे बीचों बीच सिलाई लगा करके इसे आपस में जॉइन कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकती हैं बिना जॉइंट करे हुए। पहले कान्हा जी को चोली को पहना दीजिए, गले में बांध दीजिए, फिर उसके ऊपर से इस नीचे वाले घेरे को पहना दीजिए और बांध दीजिए पीछे। लेकिन मैं इसको इसमें जॉइन करूँगी। देखिए, मैंने इसमें आपस में दोनों को जॉइन कर दिया है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। देखिए, 4 नंबर के कान्हा जी हैं मेरे, पहना के दिखा देती हूँ। पहले हम इसे गले में बांध देंगे और ये नीचे कमर पे बांध देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।